So let's start with the new app today. First of all, just click on this create app, as we know that. Okay, new project. And we have to give the name to the project. So let's say the name of this project will be Girl Talking. Okay, because we are going to make an app जहां पर हम text to speech, speech to text and जो भी speech recognition है उसको utilize करने वाले हैं. So the project name is Girl Talking, यानी कि we will be using an thing, a girl, a boy, an animal, anything. But as we have named it Girl Talking, so I am going to use one girl thing. So just click on OK. And here is the blank app. You can see the name is here, Girl Talking. So first of all, in this app, I need to use an image. वो हमने last year भी बताया था, image हम कैसे लेते हैं? So from the user interface, I'm going to use one image here. ठीक है? Image में अब मुझे किसी image को डालना पड़ेगा. So let's say height, width and picture, ये सारी properties को हम यहाँ पर use करने वाले हैं. I want that height of this picture should be, so you can see when we are using these height and width properties, it is giving us three options. One is fill parent, second is how many pixels, or third is how many percent. तो हम इसमें से किसी भी एक particular option के according अपनी height और width को measure कर सकते हैं. Fill parent का मतलब होता है, if I'm going to use this fill parent, कि हमारी जो screen है ना, क्लिक ऑन दिस ओके, उस स्क्रीन को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया जाएगा. फिल पैरेंट मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज करना. सो इट इज कमिंग ऑन द कंप्लीट स्क्रीन. सिमिलरली फॉर विथ, इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस फिल पैरेंट अगेन, ओके, सो माय इमेज विल बी ऑन द कंप्लीट स्क्रीन. अभी ये ब्लैंक है, सो इट इज नॉट विजिबल. सो लेट्स यूज वन पिक्चर. अपलोड फाइल, ओके, चूज फाइल. तो जो भी आपको फाइल चूज करनी है, आई एम टेकिंग वन पिक्चर ऑफ गर्ल फ्रॉम द गूगल, आई एम टेकिंग दैट. आप कोई भी पिक्चर जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है वहां से ले सकते हैं, या अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस दैट वॉट पिक्चर यू आर गोइंग टू यूज एंड वॉट टाइप ऑफ ऐप यू आर गोइंग टू मेक. करेक्ट, क्लिक ऑन ओके एंड सी द पिक्चर इज हियर. इट्स अ गर्ल पिक्चर, दैट्स व्हाई I named this app Girl Talk. Now let's see the difference. अगर हम fill parent नहीं लेते हैं तो height और width कैसे set होगी? So again click on the height. Here is the pixel. Pixel क्या होता है? Pixel is the tiniest thing of the screen. हमारा grid होता है ना screen पे horizontal and vertical. तो जो tiniest plaything होती है that is the pixel. So if I am saying that I am going to use 100 pixels. Let's see कितना पिक्सल आता है. क्लिक ऑन ओके. सो इफ आई एम गोइंग टू यूज 100 पिक्सल्स, ये हमारी पिक्चर की साइज ये हो. नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज द परसेंट थिंग, कि मुझे पिक्सल में यूज नहीं करना, कितना परसेंट हम स्क्रीन को यूज करने वाले हैं या कितना परसेंट हम हाइट यूज करने वाले हैं. सो लेट्स से अगर मैं 50% हाइट लेती हूँ, सो यू कैन सी द हाफ स्क्रीन इज हियर. करेक्ट, क्यों? क्योंकि हमने 50% हाइट को लिया है. सिमिलरली इफ आई एम सेइंग 100%, 100% लेते ही आपकी कंप्लीट स्क्रीन यूटिलाइज हो जाएगी, सिमिलर टू द फिल पेरेंट थिंग जो हमने फिल पेरेंट में किया था. करेक्ट, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट 100%, आई एम गोइंग टू यूज इट एज सम 60% और 80%. सो लेट्स सी 60% एंड दिस इज द पिक्चर. सिमिलरली फॉर द विथ पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द फिल पेरेंट, I'm going to use again 80%. अभी क्या हो रहा है? अभी हमारी पिक्चर जो है वो लेफ्ट में आ रही है. हो रहा है ऐसा? तो क्या हम इसको अलाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी जस्ट अलाइन दिस पिक्चर, बिकॉज द पिक्चर इज कमिंग इन द टॉप मोस्ट लेफ्ट पार्ट. ना ये सेंटर में है ना ये राइट में है. तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग ऑन द स्क्रीन and you can see here is the align horizontal align vertical property. Correct, so just click on this align and I am clicking on center and you can see the picture is in the center now. Abhi ye top most center mein hai because humne horizontally isko align kiya hai. Now if I am vertically aligning this,
अगेन आई एम डूइंग दिस इन सेंटर, सो यू कैन सी द पिक्चर इज इन द सेंटर नाउ। तो अगर हमें पिक्चर कैसे अलाइन करना है वो हम कर सकते हैं, कैसे उसको हमें कितना साइज उसका रखना है करेक्ट, हमको उसके कितने पिक्सल्स या कितना उसको फिल पेरेंट करना है, एवरीथिंग शुड बी डन बाय द डिजाइनर रूल। नाउ द बैकग्राउंड कलर इज फ्री, इट्स द ब्लैंक वन, सो बैकग्राउंड कलर भी हम यूज करने वाले, सो क्लिक ऑन दिस, वी हैव मेनी ऑप्शंस हियर, सो वट एवर कलर यू वॉन्ट टू कीप इन द बैकग्राउंड, ब्लू, ब्लैक, सियान, डार्क ग्रे, ग्रीन, इफ मजेंटा, लेट्स सी इफ आई एम टेकिंग द मजेंटा कलर, इट्स अ वाइब्रेंट कलर करेक्ट, पिंक कलर, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू कीप इन द बैकग्राउंड, रेड कलर, येलो कलर, आई एम लाइकिंग दिस पिंक वन, सो आई एम कीपिंग द पिंक कलर, यू कैन कीप द ब्लू कलर इफ समवन वांट्स, इट्स ऑल्सो गुड राइट, सो द बैकग्राउंड कलर इज ब्लू नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज वन बटन टू, अभी हमने सिर्फ एक पिक्चर ऐड किया है, अकेला पिक्चर कुछ नहीं कर पाएगा, सो आई एम गोइंग टू यूज वन बटन टू, सो हियर इज द बटन, ओके, एंड फॉर बटन्स प्रॉपर्टी अगेन आई नीड टू चेंज थिंग्स, चेंज द प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट होगा हमारे बटन पर स्टार्ट, ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा सेंटर है, टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक है, ओके, एंड फॉन्ट बैकग्राउंड कलर हमारा जो भी है, फॉन्ट हमें क्या रखना है, फॉन्ट साइज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज यू कैन डू दैट, फॉन्ट साइज इज 20, यू कैन सी द बटन इज इंक्रीज्ड नाउ, यू वांट टू मोर इंक्रीज 25, सी द बटन इज मोर इंक्रीज्ड नाउ, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक इमेज लिया है, हमने एक बटन लिया है, दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है करेक्ट, वी कैन डिफाइन द बटन्स हाइट विड्थ, इफ यू वांट टू कीप एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ बटन वी कैन डू दैट, शेप डिफॉल्ट है ये, यू वांट राउंडेड, रेक्टेंगुलर, ओवल, लेट्स से ओवल, सो यू कैन सी अभी हमारा जो बटन है दैट इज इन द ओवल शेप करेक्ट, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते तो, सो देयर इज द बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट ब्लैक, आई एम सेइंग नन, सो यू कैन सी देयर इज नो कलर, अभी क्या हो रहा है, यू कैन सी जो हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड है वही यहाँ पर अवेलेबल है करेक्ट, सो आई एम सेइंग कि अगर हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से वाइट करें, सी इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द ग्रीन कलर बैकग्राउंड कलर, द बैकग्राउंड ऑफ द इमेजेस सॉरी बटन इज ग्रीन नाउ। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, दो चीजें ली, इमेज और बटन, अब हम करने वाले हैं दो नई चीजें ऐड, सो लास्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस्ड यूजर इंटरफेस एंड द लेआउट थिंग करेक्ट, टुडे आई एम गोइंग टू यूज टू वन मोर थिंग दैट इज द मीडिया थिंग, सो इन मीडिया देयर इज ऑप्शन सो मैनी लाइक कैमकॉर्डर, कैमरा, फाइल पिकर, इमेज पिकर, प्लेयर, साउंड, साउंड रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्नाइजर, टेक्स्ट टू स्पीच, ट्रांसलेटर एंड वीडियो प्लेयर, सो वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द मीडिया थिंग, हमें साउंड से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, हमें स्पीच से रिलेटेड कुछ भी करना है, हमें टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है करेक्ट, हमें स्पीच को ट्रांसलेट करना है, वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स हियर एंड दीज आर द नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स, जो हमारी स्क्रीन पर विजिबल नहीं होते हैं बट दे डू अफेक्ट एवरीथिंग करेक्ट, सो आई एम गोइंग टू टेक टू थिंग्स फ्रॉम हियर, क्या, वन इज स्पीच रिकॉग्नाइजर एंड वन इज टेक्स्ट टू स्पीच, सो यू कैन सी इन द कॉम्पोनेंट्स थिंग दैट वी हैव टू थिंग्स, स्पीच रिकॉग्नाइजर एंड टेक्स्ट टू स्पीच करेक्ट, एंड एज आई टोल्ड यू दीज आर द नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं, हमारे ऐप पर स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो, इज इट क्लियर, आई एम रिपीटिंग इट, जो हमारे यूजर इंटरफेस के पार्ट्स हैं एवरी कॉम्पोनेंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन करेक्ट, सारी चीजें हमारी स्क्रीन पर विजिबल होती हैं
बट देयर आर सम थिंग्स, सम कॉम्पोनेंट्स विच आर द नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स, वो हमारी स्क्रीन के नीचे हमको शो होते हैं बट हमारे ऐप में कहीं भी विजिबल नहीं होते। सो वी कैन नॉट सी देम ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऐप। हमारा जो एंड्रॉयड फोन का जो स्क्रीन होगा वहां पर वो हमको विजिबल नहीं होंगे, बट एज अ डिजाइनर ऑन डैशबोर्ड वी कैन सी देम हियर ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। ओके, सो ऑलवेज वेन एवर यू आर वर्किंग हाँ विद द नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स, ऑलवेज चेक देम ऑन द ऑल कॉम्पोनेंट्स लिस्ट एंड बीनीथ द एंड्रॉयड स्क्रीन। क्लियर? तो अभी जो हमने नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट्स लिए हैं, इनकी वर्किंग के लिए वी नीड टू मूव फॉर द कोडिंग पार्ट। ये हमारा डिजाइनिंग था। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी सिंपल ऐप जिसमें हमने सिर्फ वन पेज की डिजाइनिंग की है विद ओनली टू कॉम्पोनेंट्स विजिबल एंड टू कॉम्पोनेंट्स नॉन विजिबल। करेक्ट? नाउ आई एम गोइंग टू कोड देम। कोड के लिए क्या करना होगा? सो अगेन सी ऑन द डैशबोर्ड देयर इज टू ऑप्शन ऑन द राइट मोस्ट साइड, यू कैन चेक दैट। वन इज डिजाइनर जहां पर हम काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग करते हैं, एंड वन इज ब्लॉक्स, एंड ब्लॉक्स पार्ट इज फॉर द कोडिंग पार्ट। यानी कि डिजाइनर पे आके हम अपनी स्क्रीन का सारा डिजाइन जो कि फ्रंट होता है, विजिबल होता है किसी भी ऐप में, वो डिजाइन करते हैं। उसकी वर्किंग कैसे होगी, उसके बैकग्राउंड में क्या लॉजिक चलेगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, दैट एवरीथिंग वर्क्स अंडर द ब्लॉक्स ऑप्शन, क्योंकि कोडिंग हमारी ब्लॉक्स में होती है। क्लियर? सो जस्ट क्लिक ऑन द ब्लॉक्स पार्ट एंड सी दिस इज द ब्लॉक्स ऑप्शन। यहाँ पर हम जितने भी कॉम्पोनेंट्स लेते हैं ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग कम्स हियर एंड यू कैन जस्ट यूज देम फॉर द कोडिंग पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा बिल्ड इन या ब्लॉक्स यहाँ पर विजिबल होगा और आप उसमें से सर्च करोगे, तो इट विल टेक टाइम। करेक्ट? बट वट एवर कॉम्पोनेंट्स वी हैव यूज इन द डिजाइनिंग ऑल विल कम हियर एंड वी कैन यूज वन बाई वन देम, जो भी हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बटन लिया है, हमारी स्क्रीन पे एक इमेज विजिबल होगी, एक बटन विजिबल होगा। इमेज से तो हम कुछ ऑपरेशन कर नहीं सकते, किससे कर सकते हैं हम? बटन से। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम बटन कॉम्पोनेंट पे क्लिक करेंगे एंड दीज आर द ब्लॉक्स विच आर रिलेटेड टू बटन। सो द फर्स्ट वन, व्हेन बटन वन इज क्लिक्ड, हमारी स्क्रीन पे क्योंकि बटन ही होने वाला है, करेक्ट? जब भी हम बटन क्लिक करें तो क्या ऑपरेशन होगा वो हमें यहाँ पर डालना है। तो वेन एवर द बटन इज क्लिक्ड, स्पीच रिकॉग्नाइजर पर जाएंगे। स्पीच रिकॉग्नाइजर मतलब जो हमारा, जो भी हम टेक्स्ट बोलेंगे, हमने बटन पे क्लिक किया, वेन एवर वी आर सेइंग समथिंग द स्पीच रिकॉग्नाइजर शुड गेट दैट टेक्स्ट फ्रॉम अस, शुड गेट दैट स्पीच फ्रॉम अस। तो यहाँ पर एक ये ब्लॉक है, कॉल स्पीच रिकॉग्नाइजर गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने बटन पर क्लिक किया तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर ने टेक्स्ट हमसे ले लिया, दैट्स इट। ये हुआ हुआ हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, क्लिक। क्लियर? नाउ व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर गेटिंग टेक्स्ट, फर्स्ट ब्लॉक में क्या हुआ, हमने बटन पे क्लिक किया, हमने कोई भी जो टेक्स्ट बोला, स्पीच बोला, वो हमारा यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजर ने ले लिया। ओके, स्पीच रिकॉग्नाइजर गॉट टेक्स्ट। नाउ व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर इज गेटिंग टेक्स्ट व्हाट शुड बी डन, जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है वो टेक्स्ट टू स्पीच शुड बी सेट। सो देयर इज ओनली टू थिंग्स, बटन क्लिक होते ही स्पीच रिकॉग्नाइजर एक्टिव हो जाना चाहिए और वो हमारा टेक्स्ट लेना चाहिए, एंड जब स्पीच रिकॉग्नाइजर हमारा टेक्स्ट ले रहा है उसके बाद वो टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू कन्वर्ट होना चाहिए। क्लियर? देयर आर ओनली टू थिंग्स, दो ब्लॉक्स है, सिंपल कोड है, सिंपल डिजाइनिंग है, ओनली वन पेज कोड। नाउ देयर शुड बी रिजल्ट। अब इंटरनल हमारा सारी वर्किंग तो हो गई कि स्पीच रिकॉग्नाइजर ने टेक्स्ट ले भी लिया एंड टेक्स्ट टू स्पीच ने वो कॉल भी कर लिया, बट हाउ वुड वी नो, हाउ वुड द यूजर नो कि फंक्शनिंग इज हैपनिंग और नॉट। अभी तो ये इंटरनली काम तो सारा हो जाएगा बट यूजर विल नेवर नो दैट व्हाट हैव हैपेंड। करेक्ट? सो फॉर दैट वी शुड गेट द रिजल्ट। सो देयर इज द रिजल्ट पार्ट, क्लिक ऑन दैट टू गेट
रिजल्ट। मैसेज में क्या होना चाहिए? जो भी हमारा रिजल्ट आया आफ्टर टेक्स्ट टू स्पीच दैट शुड गेट बाय द मैसेज। आई एम रिपीटिंग अगेन द कोड। देयर आर ओनली टू ब्लॉक्स। द फर्स्ट वन इज व्हेन बटन इज क्लिक्ड, स्पीच रिकॉग्नाइजर शुड गेट द टेक्स्ट फर्स्ट थिंग। ओके, व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर इज गेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच शुड कन्वर्ट दैट, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग वट एवर द रिजल्ट इज देयर दैट रिजल्ट शुड बी गेट बाय द मैसेज। क्लियर? एनी डाउट टिल हियर?